हमारे साथ है झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार जी, गोड्डा संसदीय क्षेत्र में मधुपुर से विधायक होते हैं। आइए हम जानते हैं झारखंड के बारे में कि कितने सीट हम ला रहे हैं, राजनीतिक माहौल क्या है, मोदी जी के आने से क्या असर पड़ेगा। राज पलिवार जी, आप ये बताएं कि पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा माहौल है और कैसा परिवेश है। देखिए, आप तो खुद घूम रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को बोलता हूं कि पूरा झारखंड मोदी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। सिर्फ मैं ये कहने के लिए कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आप पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव को यदि देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 14 में से 12 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। शेष 2 सीट जो बचा हुआ था, संथाल का, राजमहल और दुमका, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार करने वाली है। लेकिन स्थिति यह है कि बहुत सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ बीते कल जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई घटना, उससे कितने मर्माहत हैं या ये किस तरह की राजनीति हो रही है देश के लिए? कल जिस प्रकार से ममता दीदी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के रोड शो में हमला करने का काम किया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भत्सना की जाए, कम है। वैसे मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकार हो या ममता दीदी की सरकार हो, ये लोकतंत्र का चीरहरण करने वाली सरकार है। और कई चरण में बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, आप देखे होंगे कि प्रत्येक चरण के चुनाव में कुछ न कुछ हिंसा बंगाल के अंदर हो रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए शक्ति से बौखला गई है और वो किसी भी सीमा और चौहद्दी को पार करने के तैयार है, मर्यादा को तोड़ने के लिए तैयार है। हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। झारखंड में आपने कहा कि 14 की 14 सीट हम लोग ले रहे हैं, लेकिन अब रांची की ही बात करें या और कई जगहों की बात करें तो क्या भीतरघात का खतरा नहीं दिखाई दे रहा है? अब मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भीतरघात नाम का कोई चीज ऐसा दिखता नहीं है। यदि कहीं कुछ है तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी उत्साह और उमंग के साथ इस चुनाव में फिर से नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगा है, वह सारा भीतराघात समाप्त हो गया और देश में नरेंद्र भाई मोदी का सुनामी चल रहा है। उसी सुनामी के बदौलत हर लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे, रांची हो, गोड्डा हो, दुमका हो, कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक लंबे अंतराल के साथ चुनाव जीतने वाला है। लेकिन महागठबंधन तो लगातार और बार बार यही बात कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी काम कुछ नहीं की है, उससे ज्यादा श्रेय लेना चाहती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आजाद भारत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद यदि किसी ने गरीबों के मुस्कान पर संकल्प लाने का प्रयास किया है, सार्थक प्रयास किया है, तो नरेंद्र भाई मोदी हैं। आप देखिए, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, वृद्ध हो, हर के चेहरे पर मुस्कान लाने का सार्थक प्रयास हुआ है। कहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से, कहीं शौचालय के माध्यम से, कहीं आयुष्मान भारत योजना को लाकर, इस प्रकार कहीं मुद्रा लोन लाकर, कहीं जनधन योजना लाकर, कुल मिलाकर आप देखेंगे जितना कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरा है नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को छोड़ दीजिए तो अन्य किसी भी सरकार में इतना जन कल्याणकारी योजना धरातल पर नहीं आया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के जो लड़के हैं अनिल शास्त्री, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जय जवान जय किसान की सिर्फ बात हो रही है। आप देखे होंगे फसल कृषि बीमा योजना यदि देश में किसी ने लाया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया, किसान क्रेडिट कार्ड किसी ने लाया तो अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया। उसके बाद यदि आप देखे होंगे कि बाद में जितनी भी सरकारें बनी, किसानों के हित के बारे में किसी ने कोई चिंता नहीं किया, और फिर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अभी 2000 सब किसानों के खाते में देकर मुआवजा नहीं सहयोग राशि अंशदान देने की घोषणा की है, 6000 रुपया, और 5000 रुपया झारखंड की सरकार ने किया है। तो ये सच्चे मायने में किसानों के दर्द को जानने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने किया है,
और इसी से किसानों का कल्याण होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए गांव, गरीब, किसान हमारी प्राथमिकता की सूची में। अच्छा, मान लीजिए सरकार बन जा रही है, केंद्र में जनता बना करके भेज दे रही है, तो झारखंड के लिए आपका क्या मांग होगा? देखिए, झारखंड एक नवनिर्मित राज्य है और इसको बनाने का भी श्रेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको झारखंड दिया है तो झारखंड को संवारने का, सजाने का भी दायित्व भारतीय जनता पार्टी का ही है। और विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जब फिर से एक बार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितने कल्याणकारी योजनाओं को झारखंड में उन्होंने लाया है और उसको और धरातल पर लाना, जैसे अभी आप झारखंड में आप देखेंगे, झारखंड एक समृद्धशाली प्रदेश है लेकिन यहाँ का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हो नहीं पाया है। झारखंड संसाधनों से भरा हुआ प्रदेश है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, रघुवर दास के नेतृत्व में, मैं दावे के साथ कहता हूं जब अपनी सरकार बनेगी सूबे के अंदर तो एक समृद्धशाली प्रदेश के रूप में झारखंड का नाम अग्रणी प्रदेशों के अंदर रहेगा और झारखंड भारत के मानचित्र पर अगुवाई करने वाला प्रदेश होगा, ऐसा मेरा खुद का मानना। झारखंड राज्य के श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार सन्मार्ग लाइव द्वारा लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर काम करने को लेकर भाव विभोर होकर प्रशंसा किए और आशीर्वचन देने से स्वयं को रोक ना सके और यह कह दिया। संजय समर जी और उनके पूरे टीम को हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आप इस चुनावी समर में बाबा वैद्यनाथ की पवित्र धरती पर आए हुए हैं और बाबा वैद्यनाथ से हम ये कामना करते हैं कि आपको और आपके पूरे टीम को बाबा वैद्यनाथ सुख समृद्धि शांति और खुशहाली दे और आपका चैनल आपकी प्रगति दुनदुगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से होता रहे, ऐसा हम बाबा वैद्यनाथ से कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। ये थे राज्य के मंत्री राज पलिवार जी, जिनका कहना यह है कि केंद्र में अगर मोदी सरकार फिर गठन होती है तो झारखंड का चहु और विकास होगा। कैमरा मैन दीपक के साथ सन्मार्ग लाइव के लिए मैं संजय समर, देवघर।